जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि वंदे भारत का अराइवल और डिपार्चर और इसकी ग्लास क्लीनिंग कैसे होती है, प्लस लोको पायलट क्या करते हैं इस स्टॉपेज में, सब आपको इस वीडियो में दिखेगी। अभी आप इस समय देख रहे हैं कि वंदे भारत का अराइवल हो रहा है और आपको भी पता है इस वंदे भारत ट्रेन सबसे खूबसूरत ट्रेन है ऑल ओवर इंडिया, और ये इस समय अराइवल कानपुर सेंट्रल में हो रहा है और इस समय शाम के 6:30 करीब बज रहे हैं। और वंदे भारत ये ट्रेन 18 भी इसको पहले कहते थे, बाद में इसका नाम वंदे भारत हुआ। और ये वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है और ये कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, देखिए कितना प्यारा व्यू है वंदे भारत का। काफ़ी सुंदर ट्रेन बनाई गई है, इसको ICF चेन्नई ने बनाया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, और भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन है। और इसकी एवरेज स्पीड अप्रॉक्स 140 किलोमीटर पर प्रति आवर है। और यहाँ पे देखिए फोटो सेशन भी चल रहा है यहाँ वंदे भारत में। और यहाँ पे देखिए ग्लास क्लीनिंग कैसे होती है, देखिए ग्लास क्लीनिंग चल रही है, ये लोग 2 बोतल्स लेके आए हैं। और इस समय वंदे भारत की अनाउंसमेंट हो रही है, आप लोग वंदे भारत की अनाउंसमेंट सुनिए। Vande Bharat Express from Varanasi to New Delhi has arrived on platform number 1. Thank you. Kripaya dhyan dijiye, gaadi sankhya 2, 2, 4, 3, 5. Vande Bharat Express Varanasi se chalkar New Delhi ko jaane wali platform kramank 1 par aa chuki hai. Dhanyawad. May I have your attention, please? Train number 22435, Vande Bharat Express from Varanasi to New Delhi has arrived on platform number 1. Thank you. Kripaya dhyan dijiye, gaadi sankhya 2, 2, 4, 3, 5. Vande Bharat. Kripaya dhyan dijiye. गाड़ी संख्या 2, 2, 4, 3, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ये वंदे भारत करीब कानपुर में 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है, लिखा तो 5 मिनट का टाइम है लेकिन अप्रोक्स 10 मिनट तक कानपुर में रुकती है। और ये वाराणसी से वंदे भारत अप्रोक्स दोपहर में 3 बजे चलती है और कानपुर 6:30 बजे आती है और फिर न्यू दिल्ली 11 बजे तक पहुंच जाती है। और इसके स्टॉपेज कानपुर होता है और इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद में रुकती है फिर ये कानपुर आती है, फिर दिल्ली 11 बजे तक पहुंच जाती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, अगर आप लोगों ने सफ़र किया है वंदे भारत में तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग कभी भी बैठे हों तो आप ट्रैवल किया हो तो आप लोग बताइएगा। अभी टोटल 4 ऑपरेटिंग वंदे भारत हैं। एक तो पहली जो वंदे भारत चली थी 15 फरवरी 2019 में चली थी, वो वाराणसी से न्यू दिल्ली वाली। फिर सेकंड वंदे भारत चली थी न्यू दिल्ली से कटरा के बीच वैष्णो देवी के लिए, काफ़ी अच्छी ट्रेन है वो भी वैष्णो देवी। अगर किसी को यात्रा करनी हो तो न्यू दिल्ली से टिकट बुक करिए, सीधे वैष्णो देवी के लिए सीधे वंदे भारत अभी फिलहाल चली है, मोदी जी ने अभी गुजरात में चलाई है बम्बई से लेके गांधीनगर तक। और फोर्थ वंदे भारत भी चली है, ऑपरेशनल हो गई है, वो न्यू दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए चली है। और अप्रॉक्स अभी 75 वंदे भारत ट्रेन और चलनी है, आप लोगों को पता ही होगा 75 वंदे भारत ट्रेन इस साल के एंड तक चल जाएगी। और पूरे भारत भर में जिसकी सिटी में वंदे भारत नहीं चलती है सबकी सिटी से वंदे भारत अब निकलेगी। ऐसे पहले सिर्फ वंदे भारत सिर्फ वाराणसी वालों को दी गई थी, कानपुर वालों को दी गई थी और दिल्ली वालों को दी गई थी, अब ये वंदे भारत साल के एंड तक 75 वंदे भारत चलेंगी। वो साउथ में भी चलेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी चलेगी, नॉर्थ में चलेगी, हर वेस्ट में चलेगी, मतलब हर जोन में हर जगह वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये जो अभी जो वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है ये चेयर कार है, और बाकी जो वंदे भारत अब जो चलने लगी है उसमें स्लीपर क्लास भी दी गई है। बाकी जो नेक्स्ट 75 वंदे भारत जो ट्रेन चलेंगी वो नाइट के लिए भी चलेंगी। ये सब वंदे भारत सुबह वाली ट्रेन चलती थी, ये सिर्फ दिन में ऑपरेट करती थी, मतलब डे टाइम ऑपरेट करती थी। अब जो नेक्स्ट जो जितने भी जो वंदे भारत का लॉट क्लियर हो रहे हैं 75 वंदे भारत, अब वाली ट्रेन नाइट में भी चलेंगी और उसमें स्लीपर कोचेस भी होंगे
मतलब एसी स्लीपर कोचेस होंगे, मतलब एसी फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी, और उसमें चेयर कार भी होंगी। तो अब आप वंदे भारत में आराम से लेट के भी सफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कानपुर से वंदे भारत जो चलती है, जो वंदे भारत जो वाराणसी वाली है, उसमें सिर्फ चेयर कार है, आप सिर्फ बैठ के सफर कर सकते हैं। और जो अभी जो वंदे भारत आ रही है, जो अब 75 जो वंदे भारत आएंगी, आप उसमें एज अ एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आप आराम से लेट के सफर करिएगा, और नाइट का सफर आप आराम से वंदे भारत में करिएगा। और आप ये देख रहे हैं कितनी सुंदर वंदे भारत यहाँ पे खड़ी है कानपुर सेंटर में, कितनी अच्छी लग रही है। May I have your attention, please? Train number 22435, Vande Bharat Express from Varanasi to New Delhi has arrived on platform number 1. Thank you. Kripaya dhyan dijiye. Gaadi sankhya 22435. Vande Bharat Express Varanasi से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 22435 वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22435 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी। वंदे भारत को आए अप्रोक्स 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो ये नेट में 2 मिनट दिखाता है कि कानपुर में 2 मिनट रुकेगी, लेकिन ये रुकती मोर देन 10 मिनट्स है, क्योंकि अभी तक 5 मिनट से ज़्यादा हो गई, वंदे भारत को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो ये कानपुर में काफ़ी देर तक रुकती है, काफ़ी सुंदर वंदे भारत है। मैंने तो अभी तक इसमें सफ़र नहीं किया है वंदे भारत का। अगर मैं दिल्ली जाऊँगा कभी भी, तो मुझे वंदे भारत से ही जाना है, क्योंकि अगर इसका किराया ज़्यादा भी लगेगा, शताब्दी से इसका किराया 1.5 गुना ज़्यादा है। अगर शताब्दी का किराया कानपुर से दिल्ली 1000 है, और वहीं वंदे भारत का किराया कानपुर से न्यू दिल्ली का 1400 रुपये है। लेकिन ट्रेन भी अच्छी है, तो इसमें सफ़र करना तो बनता है। अभी तक मैंने सफ़र किया तो नहीं है, अगर आप लोगों ने सफ़र किया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि वंदे भारत सफ़र आपको कैसा लगा। और आपने अभी अनाउंसमेंट सुनी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि अनाउंसमेंट कैसी लगी। और यहाँ पे लोको पायलट सर खड़े हैं, और जो वाइट शर्ट में खड़े हैं वो स्टेशन मास्टर हैं, और जो ब्लू शर्ट होती है वो लोको पायलट की होती है। अब वंदे भारत ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब थोड़ी देर में वंदे भारत यहाँ से डिपार्चर करेगी। आप लोग देखिएगा कितना अच्छा डिपार्चर होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ट्रेन का हॉर्न आएगा वंदे भारत का, और ट्रेन धीरे धीरे कानपुर सेंट्रल से निकल के दिल्ली की ओर जाएगी। देखिएगा व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। वंदे भारत ट्रेन हॉन्ग मार रही है, आप लोगों को शायद सुनाई देगा, हॉन्ग पे हॉन्ग हो गया है और सारे गेट क्लोज हो गए हैं। बस अब ट्रेन का चलना बाकी है, यहाँ से बस इसका डिपार्चर होने ही वाला है। और ये देखिए ट्रेन चल रही है, देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। आप लोग देखिएगा ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है, और ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, और ये कानपुर से डिपार्चर कर रही है, कानपुर को छोड़ के प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। कितना प्यारा व्यू है, कितने प्यार से निकल रही है, कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग हमको इसके कंपार्टमेंट गिन के बताइएगा कि इसमें कितने वंदे भारत में कितने कंपार्टमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आप लोग वीडियो देखते रहिए और इस डिपार्चर को देखिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट। यह गाड़ी अम्बाला कैंट तक जाएगी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 22431 प्रयागराज उधमपुर फ्रॉम प्रयागराज टू उधमपुर यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें, प्रयागराज से चलकर
अम्बाला कैंट तक जाने वाली 22431 प्रयागराज उधमपुर एक्सप्रेस गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। यह गाड़ी अम्बाला कैंट तक जाएगी, आगे उधमपुर नहीं जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 22431 प्रयागराज उधमपुर एक्सप्रेस गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। यह गाड़ी आगे अम्बाला कैंट में टर्मिनेट कर दी जाएगी, आगे नहीं जाएगी। आप लोगों ने वंदे भारत का अराइवल और डिपार्चर दोनों देखा होगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो में ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।